यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक। आई होप के आप सभी लोगों का आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। और रुको रुको रुको, ईद की पार्टी की वीडियो आने वाली है। जी हाँ, हमारे फ्रैंकलिन ने ईद की पार्टी की है दोस्तों, बट वो इस वाले चैनल पर नहीं, वो आएगी एक ही टेक्निकल पॉइंट पर 10 बजे। जी हाँ, 10 बजे, तो तैयार रहना। हमने पार्टी वहाँ पर की है, तो फटाफट जाकर उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, आज इस ईद के मौके पर तुम्हारा भाई एक स्पेशल व्हीकल तुम्हारे लिए लेकर आया है, जिसको मैं भी यहाँ पर चला रहा हूँ बहुत टाइम से। लैम्बोर्गिनी यूरस लिमोजीन। अब तक आपने बहुत कम लोगों के पास ये जो गाड़ी देखी होगी दोस्तों, गाड़ी देखो एक बार, इसकी लेंथ देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। बैक प्रोफाइल देखो गाड़ी का, ये तो वही नॉर्मल यूरस टाइप है। इधर देखो, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एसयूवी तो थी, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लिमोजीन बन चुकी है अभी ये। देख रहे हो भाई साहब, क्या गाड़ी है। तो दोस्तों, गाड़ी भागने में बहुत अच्छी है, लग्जरी है, ठीक है, हर फीचर है गाड़ी में। क्या गाड़ी ऑफ रोडिंग कर सकती है? एसयूवी लिमोजीन है ना, तो आज वो ट्राई करने वाला हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। तो लाइक कर दो, ठीक है, आ जाओ चलो भैया लो। और गाड़ी तो देखो बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप सामने देखना, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। अब सामने देखना है, देखो, 3, 2, 1, ए देखो, देख रहे हो पीछे से लोगों में भी इसके रेड लाइट आती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाड़ी में। मेरे हिसाब से तो 4 चांद लगा देती है। बढ़िया, चलो क्या बात है। मैं तो देखो भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है, बट मैं ना इसके अंदर जो आराम से ही चलाऊंगा गाड़ी को। आप सभी लोग देख ही रहेंगे तुम्हारा भाई कितने प्यार से चला रहा है। मैं नहीं चाहता भाई इस गाड़ी को कुछ भी हो, और वो भी हमारे ईद के मौके पर। मैं इसको बहुत प्यार से चलाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार से। चलो, ईद आने वाली है, याद तुम भी आओगे। चलो भैया, बंद कर दो गड्डी का इंजन, एक ना ड्रिंक पी के फिर चल रहे हैं। माउंट चिलियार्ड पे जाना है भैया, ये थोड़ी ना एक स्प्राइट पी लेता हूँ, दिमाग ठंडा करता हूँ पहले अपना। चलो, Damn, that was all right. बढ़िया, मजा आ गया। इस यूरस के अंदर भी दोस्तों V8 इंजन ही है, जो कि नॉर्मल यूरस में आता है। ये नॉर्मल यूरस ही है दोस्तों, बस इसको कस्टमाइज किया गया है। देखो, ऑफ रोडिंग में भी कैपेबल है गाड़ी, देख रहे हो, अच्छी चल रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छी। हाँ बस थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो नीचे से देखो लगने का डर है, और कहीं ना कहीं से देखो टच हो भी रही है, हो रही है, क्योंकि लंबी होने की वजह से ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो गया गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं से टच हो जाती है। आगे से थोड़ी नीचे, पीछे से थोड़ी ऊंची है, आपने जी नोटिस की, तो कहीं ना कहीं को तो लगी जाती है थोड़ी बहुत सी, माइनर सी, जहाँ पर ज़्यादा ही खतरनाक सा ब्रिज टाइप होता है ना वहाँ पर। अब देखना है क्या इधर से भी निकल सकती है क्या। हेलो, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, मैं से निकल रही है, सही है। चलिए रोड पर आ गए हम, ऑफ रोड। अरे आराम से भैया, चाचा जी कहाँ आ रहे हो तुम, पंजा दबाने की देर है, गाड़ी रॉकेट बनती है, बनाओ। ये देखो नॉर्मल रोड पर बनाता भी हूँ मैं इस रॉकेट, अभी तो देखो नॉर्मल टाइप का रोड से चल रहा है ना, थोड़ा कंट्रोल भी काफी अच्छा है भाई गाड़ी का। ये देख लो आप सभी लोगों के सामने है, देखो
कंट्रोल बहुत प्यारा है गाड़ी का, बहुत प्यारा कंट्रोल है। ऑफ रोडिंग में भी सही है। मेन होता है अगर आप पहाड़ी इलाके पे जा रहे हो ना, गाड़ी का टर्निंग रेडियस, गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत प्यारा है। वो क्या होता है, गाड़ी छोटी सी जगह में कोई काफ़ी अच्छी कटिंग कर लेती है। देखो छोटी जगह में को घुमाई कि काफ़ी अच्छी घूम गई। बढ़िया, मज़ा आ गया। एक नंबर, आराम से, नीचे से लगी तो नहीं, आराम से। अब सुरंग में भगाऊंगा, देखो मैं गाड़ी 300 टच हो चुकी थी, 300 टच होने ही वाली थी, और ब्रेकिंग देखो क्या शानदार है, जैसी पावर है ना वैसी ब्रेकिंग भी है। अब तक ये चैलेंज कोई सी भी एसयूवी नहीं कर पाई, सॉरी लिम्बोजिन जो आज मैं करने वाला हूँ। देखो भाई लग तो रही है गाड़ी कहीं ना कहीं से नीचे को। अब देखो भाई पूरा टेक्निकल उसमें तो मैं चला नहीं रहा हूँ। चलो हल्का सा ये लगा तो एकदम सीधे इसकी, हाँ लगा, बोनेट का लॉक टूट गया। चलो इतना तो खैर चलता है, चलो इंजन को हवा भी लगती रहेगी। नीचे से लग गई, क्या कहा था मैंने, पहाड़ पर ले जाना इस गाड़ी को, मतलब माउंट शिलियाड पर ले जाना, मतलब खर्चा, अनगिनत खर्चा, समझ गए। और मैंने कहा ईद के मौके पर आज ऐसा काम करता है तो मजा भी आएगा। देखो दोस्तों पावर तो गाड़ी में भरपूर है, 4x4 लग चुका है गाड़ी का, ठीक है। अब चारों टायरों में जो है दोस्तों जान आ गई गाड़ी के। मैं इसको बहुत ही इजीली चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी, देख लो चले। बस यही तो मसला होता है हल्का सा, बस ग्राउंड क्लियरेंस को देखकर थोड़ा तेज लेके आनी पड़ेगी ताकि एकदम कूद के थोड़ा निकल जाए ना, तो उससे एकदम निकल जाती है गाड़ी। चलो काफी इजी, जैसे मैं नॉर्मल गाड़ी चलाता हूं ना ऐसे ही चला रहा हूं मैं यहां पर भी। अगर मैं इंटीरियर से चलाने की बात करूं ना तो तब भी देख लो। बढ़िया, थोड़ा सा पावर ज़्यादा आपको थ्रॉटल देना पड़ेगा, बट वैसे सही है गाड़ी। मेन होता है गाड़ी का टर्निंग रेडियस, ये कितने सी जगह में को गाड़ी जो टर्न ले रही है, बहुत बहुत मज़ेदार है। फन टू ड्राइव गाड़ी है विद सुपर पावर्स एंड सुपर लग्जीरियस, सुपर स्पेशियस, हर चीज़ सुपर है इसमें। थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस और होता, देखो अब ये है यहाँ पर पता चलेगा गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है, कितनी सी जगह मेरे को घूम गई यार, कितनी सी जगह मेरे को घूम गई। इसे जिधर को घुमा दोगे ना उधर को घूम जाएगी भाई ये। आई मीन है स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है, क्या ही बताऊँ यार मैं आपको, मजा आ गया। ये देखो क्या गाड़ी चलती है, अबे साइड हो ना,
बीच रोड में घूम रही हैं, तेरे बाप का रोड है, पता नहीं क्या समझ के घूमती रहती हैं, जिनके पप्पा जी बनवा कर गए हैं। पावर होने की वजह से ना गाड़ी इजीली चढ़ती है एकदम। ये देखो एकदम आ गए दोस्तों हम यहाँ ऊपर। गाड़ी में ना तो कोई दिक्कत हुई ना भाई कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा इजीली आ गए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक बार ना पहाड़ से कूदा कर देखते हैं कि गाड़ी में वाकई में इतना दम है या फिर नहीं है दोस्तों। चलो थ्री टू वन, चलो। अब मैं तो भाई अंदर बैठा हूँ गाड़ी में, इतनी लग्जरी गाड़ी ऊपर से पहाड़ से गिर भी जाए। तो क्या होगा इसका, ठीक है दरवाजे वगैरह तो जाएंगे ही गाड़ी के। ओके बोनट वगैरह भी गया, गाड़ी का इंजन भाई ठप ठप करने लग गया। अब ये देख लो आगे से ख़त्म। बट अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ ना अब भी गाड़ी के, तो इंटीरियर पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया, ऑब्वियसली पीछे तो ज़रा सा भी नहीं आया, थोड़ा बहुत तो देखो आया है, कहीं कहीं से मुड़ गई है। बट हाँ अगर 5 में से देने हो तो मैं इसको 3 स्टार दूंगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताओ। बाकी आज ईद है दोस्तों, मज़े लो, इन्जॉय करो अपने दिन को और काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बिताओ दोस्तों, ठीक है ना। अपने माँ बाप की इज्जत करो यार, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।